ये खबर तो अब तक पहुंच ही गई होगी कि कक्षा 12वीं के इतिहास से मुगल अध्यायों को हटाने का बड़ा फैसला लिया गया है। जी हां, 12वीं की कक्षा में अब मुगल साम्राज्य नहीं पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी ने इतिहास की किताब से भारतीय इतिहास के चैप्टर से मुगल दरबार और शासन को हटा दिया है। इसको लेकर बहुत सारे नेताओं और बुद्धिजीवियों की अलग अलग राय है। इसी बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इसी मामले पर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुगल इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता, साथ ही कि अगर विपक्षी दलों को भाजपा के खिलाफ चुनाव जीतना है तो उन्हें एकजुट होना होगा। हम तैयार हैं, अगर वो तैयार हैं, हुकूमत तैयार है, फिर रुकावट किस चीज की है? जी, मैं समझता नहीं। इलेक्शन कमीशन का दावा, देखिए, मैं हमने ये सुना था कि वो आने वाले हैं, मगर उन्होंने इसको डिनाई किया है। उन्होंने कहा अभी हमने कोई ऐसा फैसला नहीं किया है। जी सर, जो मगर तारीख मिट नहीं सकती, आप कितना इसको किताबों से निकालेंगे, शाहजहां को कैसे भूल जाएंगे, औरंगजेब को कैसे भूल जाएंगे, अकबर को कैसे भूल जाएंगे, बाबर को कैसे भूल जाएंगे, हुमायूं को कैसे भूल जाएंगे, जहांगीर को कैसे भूल जाएंगे, 800 साल हुकूमत की है, कभी किसी हिंदू को खतरा नहीं लगा, किसी मुसलमान या सिख ईसाई को खतरा नहीं लगा। ये क्या है, ये क्या तमाशा है? जब ताजमहल दिखाएंगे तो क्या कहेंगे, किसने बनाया, वो कौन था, और यहाँ दफन कौन है, क्या कहेंगे? अच्छा, फतेहपुर सीकरी जाएंगे जहाँ इनका पहला तख्त था, राज था, दिल्ली आने से पहले। फारूक अब्दुल्ला ने पूछा कि शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, बाबर, हुमायूं और जहांगीर को कैसे भूला जा सकता है जब इन सब ने 800 वर्षों तक शासन किया, लेकिन किसी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई ने असुरक्षित महसूस नहीं किया। उन्होंने फिर सवाल उठाए कि जब ताजमहल दिखाएंगे तो क्या कहेंगे कि इसे किसने बनवाया, फतेहपुर सीकरी के बारे में क्या कहेंगे जहां मुगल राज दिल्ली जाने से पहले था, हुमायूं के मकबरे और लाल किले को कैसे छिपाएंगे। अब्दुल्ला ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हम नहीं रहेंगे लेकिन इतिहास रहेगा। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कुछ गांवों का नाम बदलने पर अब्दुल्ला ने कहा कि भारत उस दावे को मानने को तैयार ही नहीं है जो चीन ने पहले भी किया था। अब्दुल्ला ने एक सवाल के जवाब में कहा कि व्यक्तिगत रूप से हम लड़ नहीं पाएंगे, विपक्ष का गठबंधन ही एकमात्र ऐसा तरीका है जो एकजुट करेगा। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दल भी एकजुट होने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम चुनाव जीत सकें। फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर बीजेपी पर हमलावर नजर आए। उन्होंने अपोजिशन को एकजुट होने की हिदायत भी दी। फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि अगर अपोजिशन पार्टियों को बीजेपी के खिलाफ चुनाव जीतना है तो उन्हें एकजुटता का प्रदर्शन करना होगा। श्रीनगर से लोकसभा सदस्य अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि चर्चा चल रही है और राष्ट्रीय स्तर पर वह एकता के मोर्चे के अच्छे परिणाम देख सकते हैं।